हेलो डॉक्टरी फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज़रबाईजान बाकू सीरीज़ के हवाले से ये हमारा 5वां एपिसोड है और अब से कुछ ही देर बाद हमारा पूरा ग्रुप इस बस में सवार होकर गवाला के लिए रवाना हो जाएगा। तो चलें, आप भी हमारे साथ चलिए। बाकू से निकल के जो चीज़ हमको सबसे पहले नज़र आई वो ये कि चारों तरफ सफ़ेद रंग का ढेर है। यहाँ के लैंडस्केप सारे वाइट कलर के हैं, थोड़े से एरिड हैं। ड्राइवर गाने लगाने की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे हम गवाला की तरफ बढ़ना शुरू हुए हैं और बाकू से बाहर निकल रहे हैं, ज़मीन का कलर भी चेंज होता जा रहा है। आप देख रहे हैं सफ़ेद से ब्राउन और ब्राउन से अभी ग्रीन कलर के लैंडस्केप्स होते जा रहे हैं। हमें बताया गया है कि बाकू के मुकाबले में गवाला का टेम्परेचर कदरे कम होगा और इसीलिए हमने मोटे कपड़ों का इंतज़ाम भी रखा है। गवाला बाकू से 225 किलोमीटर दूर है और यहाँ तकरीबन हम 3.5 घंटे में पहुँचेंगे। फिज़िकल फीचर्स के अलावा रास्ते में बहुत खूबसूरत इमारतें भी देखने को मिल रही हैं। हमारे टूर गाइड जेम्स के मुताबिक रास्ते में हम 2 जगह रुकेंगे, रिफ़्रेशमेंट्स के लिए और नमाज जुमे की अदायगी के लिए। ड्राइवर के मुताबिक शायद रास्ते में नमाज की जगह तो ना मिले, इसलिए नोहर झील पे मौजूद एक प्रेइंग एरिया में जो लोग नमाज अदा करना चाहें वो कर सकते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा ट्रैफिक चल रहा है, सड़कें साफ़ सुथरी हैं, कुशादा हैं और यूरेशिया से ताल्लुक़ रखने वाले आज़रबाईजान में तमाम गाड़ियाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव हैं। बाकू से गबाला के 3-4 रास्ते मौजूद हैं और उसमें से सिल्क वे हाईवे सबसे मशहूर है। ये 227 किलोमीटर लंबी शाहराह है। बाकू आप गाड़ी या ट्रेन से भी जा सकते हैं, लेकिन बस से ट्रैवलिंग सबसे सस्ती पड़ती है। इस वक्त भी हम एक आबादी में से गुजर रहे हैं। हमारे सफ़र को तकरीबन 1.25 घंटा हो चुका है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये अब कहीं ब्रेक लेंगे। आज़रबाईजान में 66 डिस्ट्रिक्ट्स मौजूद हैं, जिनमें से एक डिस्ट्रिक्ट का नाम इस्माइली है और उसका कैपिटल सिटी का नाम भी इस्माइली ही है। यहाँ दाखिल होते ही हमको बहुत प्यारी खूबसूरत बिल्डिंग्स नज़र आनी शुरू हो गई हैं। चौरंगी में मौजूद अंगूर के आर्किटेक्चर ने बस में मौजूद सब लोगों को बहुत मुतासर किया है और सब उठ उठ के इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, शायद गाड़ी रुकने वाली है। व्यूअर्स, ब्रेक हमने ले लिया है रिफ़्रेशमेंट्स का और इधर आपको एक गुलाब का फूल दिखाना चाह रहा हूँ। इसका साइज़ देखें आप, ये मेरे हाथ से भी बड़े साइज़ का गुलाब है और इससे ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि ये पौधा जो है 12-14 फुट तक गया हुआ है। ये जो दूसरा गुलाब आप ऊपर देख रहे हैं 10 फुट की बुलंदी पर, मैं इसको छूने की कोशिश कर रहा हूँ और इससे कहीं ऊपर तकरीबन 14-15 फीट की ऊंचाई पे आप मुझको मज़ीद गुलाब नज़र आ रहे हैं जहाँ तक मेरा हाथ भी नहीं पहुँच सकता। इंतहाई अच्छी खुशबू है इन गुलाबों की। इसके साथ साथ यहाँ पे शहतूत का दरख्त लगा हुआ है और ये शहतूत मैंने चखे थे भी तो ये कच्चे हैं, वरना मैं आपको इसको खा के भी दिखाता। आपको याद होगा हमारी पिछली वीडियो में बाकू में हमने दिखाया था कि काज़माबाद में मौजूद शहतूत के दरख्त ने किस तरह शहतूत तोड़ के खाए थे और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने हमें शहतूत तोड़ के भी दिए थे। हैरानगुन तौर पे वो शहतूत पक चुके थे मगर ये शहतूत कच्चे हैं। चलिए व्यूअर्स, देखते हैं यहाँ पे और कौन कौन से पौधे लगे हैं। ये एक और गुलाब का पौधा है, मैं दुकान के साथ आपको इसका एक कंपैरिजन दिखाना चाह रहा हूँ कि ये कितनी ऊंचाई पे लगा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि यहाँ पे गुलाब इतनी ऊँचाई पर लगे हुए हैं और ये पौधा इतना ऊँचाई पर कैसे गया हुआ है, ये मेरी समझ से बाहर है। मैंने पाकिस्तान में कभी इतने ऊँचे गुलाब नहीं देखे। यहाँ और भी बहुत सारे दरख्त लगे हुए हैं, बल्कि ये जो रिफ़्रेशमेंट का एरिया है ये सारा दरख्तों के अंदर ही दबा हुआ है। इधर मुझे एक और फल नज़र आ रहा है, ये या तो इंजीर है या अमरूद है या इस तरह की कोई वैरायटी है, मैं इसका आपको क्लोज़अप दिखा रहा हूँ। मगर बहरहाल ये भी ग्रीन कलर का है और इसके अलावा भी हमको यहाँ पे बहुत सारे अच्छे दरख्त नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे फूल नज़र आ रहे हैं। ये एक और दरख्त के साथ गुलाब का पौधा इन्होंने चढ़ाया हुआ है ऊपर की तरफ और ये भी आप देख सकते हैं कितनी ऊँचाई भी मौजूद है। इंतहाई खूबसूरत क्रिम्सन रेड कलर के गुलाब हैं, बहुत ही प्यारे। बस भी स्टार्ट हो चुकी है, अब ड्राइवर आवाज़ें दे रहे हैं कि सब लोग वापस आ जाएं ताकि गवाला की तरफ सफ़र को जारी रखा जा सके। गवाला में हम सबसे पहले नोहर गोल या नोहर झील की तरफ जाएंगे, वहीं नमाज जुम्मा का भी अहतमाम है और उसके बाद हम लंच करेंगे। तो चलें सफ़र शुरू करते हैं। अभी नोहर झील पहुँचते में हमको तकरीबन 1 घंटा मज़ीद बाकी है और हमें बताया जा रहा है कि क्योंकि शाम ज़्यादा हो रही है तो नोहर झील पर हमारा पड़ाव कम देर के लिए होगा ताकि लंच करके हम फौरन गवाला की तरफ जा सकें और वो हमारी असल मेन एक्टिविटी होगी, गवाला में केबल कार राइड। अब हवा में खुनकी भी बढ़ती जा रही है और सड़क जो है वो एस ट्रेल्स ले रही है, यानी कि वो गोल गोल घूमना शुरू हो गई है क्योंकि ये सड़क जो है अब पहाड़ों में इसके बीच में से जा रही है। जो सड़क हम कुछ देर पहले पीछे छोड़ के आ रहे होते हैं वो सड़क हमको पहाड़ की ऊंचाई से नीचे दिखाई दे रही होती है। इस इलाके में पहाड़ों की रेंज का नाम कॉकेसस माउंटेन रेंज है।
और ऐसा ऐसा करके ये जगह बहुत खूबसूरत होती जा रही है। हमें बताया गया है कि नोहर झील में कोई एंट्री फीस नहीं है और इसमें आपको इसके इर्द गिर्द बहुत अच्छी मार्केट भी मिलेगी जिसमें सुवीनियर्स भी हैं, मुख्तलिफ तरह के खाने होंगे और हमें ये भी कहा गया कि वहाँ पर आप डिज़र्ट्स की बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, मिसाल के तौर पर बकलावा और टर्किश डिलाइट और फार्म हनी। ये तीन चीज़ें उन्होंने कहा है कि यहाँ पर आपको अच्छी वैरायटी मिलेंगी, लेकिन अब इसकी क्या प्राइस है ये मुझे आइडिया नहीं है और वो हमको वहाँ पहुँचने के बाद ही इस चीज़ का सही तरीके से अंदाज़ा हो पाएगा कि यहाँ पर प्राइसेस कैसी हैं। कुछ ही देर में हम नोहर झील पहुँचने वाले हैं और आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पर दरख्त जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि आप कह सकते हैं कि दोनों अतराफ जंगलात हैं, पहाड़ भी इस वक्त दरख्तों से कवर्ड हैं। अब हम बहुत करीब पहुँच गए हैं नोहर झील के। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम नोहर झील पर पहुँच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ भी है नोहर गोल्ड रेस्टोरेंट, यानी कि नोहर झील का रेस्टोरेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एंट्री फ्री है। जेम्स ने हमको यहाँ पे आधे घंटे का टाइम दिया है कि इसके अंदर आप अपनी सारी चीज़ें मुकम्मल करें। बहुत ही खूबसूरत साफ़ सुथरा पानी है, लेकिन इसमें स्विमिंग अलाउ नहीं है। आप कश्तियाँ हायर कर सकते हैं, यहाँ पर आपको वाटर बाइक्स, पैडलर्स, बोट्स नज़र आ रही हैं जिनको आप फिशिंग और बोटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसका किराया 15 से 20 मनात है और बैक वक्त 4 लोग इसमें 10 मिनट की राइड कर सकते हैं। यहाँ हमें एक नौबियाता जोड़ा भी नज़र आ रहा है जो यहाँ के रवायती लिबास में मलबूस हैं और लग रहा है कि ये अपने पोस्ट वेडिंग फ़ोटो सेशन के लिए आए हैं। यहाँ मौजूद तमाम ही टूरिस्ट और लोग जो हैं वो इनकी तरफ मुतवज्जो हो गए। यहाँ का पानी इतना साफ शफाफ है कि इसके अंदर से हमको मेंढक और मछलियाँ भी नज़र आ रही हैं और इस जगह को देख के हमें लंकावी की याद आ गई, क्योंकि लंकावी की आइलैंड हॉपिंग एक्टिविटी कुछ इसी अंदाज की सी है। यहाँ ये बताता चलूँ कि करीब में मौजूद दुकानों से मैं होके आ चुका हूँ और यहाँ की कीमतें बाकू के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा हैं। ये जो आप पहाड़ी सिलसिला इधर देख रहे हैं, इन पहाड़ों का नाम यमरू, गोयदाक और गुलू बुरुन है। ये तमाम पहाड़ दरख्तों से ढके हुए हैं। यहाँ एक लोकल ने भी हमें बताया है कि सर्दियों में ये झील जम जाती है। बच्चों और खसूसन छोटे बच्चों के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे इंतजाम कर रखे हैं। व्यूअर्स, अब हमारा ग्रुप आई लव पिज़्ज़ा नामी इस रेस्टोरेंट में पहुँच चुका है। ये एक फ़ास्ट फूड जॉइंट है जो केबल कार और नोहर झील के बिल्कुल बीच में वाक़ है। यहाँ भी खाना कोर्सेस की सूरत में सर्व हुआ है। सबसे पहले हमें सैलेड मिला है, फिर ब्रेड और सूप। सूप में हमेशा की तरह लेंटिल सूप का ऑप्शन था, मगर मैंने चिकन सूप का ऑप्शन अवेल किया। सैडली या आलू गोश्त का सालन लगा मुझे बिल्कुल। और इसके साथ साथ हमें हर तरह की ड्रिंक्स का ऑप्शन मिला हुआ है। आयरन है, ये एक टर्किश नमकीन लस्सी है और फास्ट फूड में हमें पिज़्ज़ा का स्लाइस और शॉर्मा मिला है। अब मैं अपना लंच इन्जॉय करूँगा। प्ले एरिया में सारा को भी स्लाइड्स का ऑप्शन मिल गया और वो भी बहुत इन्जॉय कर रही हैं। फिर बहुत जल्द मैं आपके साथ गवाला की केबल कार राइड के हवाले से भी वीडियो शेयर करूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएगा, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए। इट्स सारा एंड डॉक्टर ली फ्रॉम द टीम डॉक्टर ली साइनिंग ऑफ। अज़रबैजान की प्लेलिस्ट चैनल पर मौजूद है, उसको ज़रूर देखिएगा और इस दायरे को दबा के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।